Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are discussing about tricep muscle. हमने previous video में bicep के ऊपर बात किया, जैसे कि bicep हमारा two-headed muscle था, ऐसे ही tricep भी हमारा three-headed muscle है. Tri मतलब three और sep मतलब headed. ये three-headed muscle को refer करते हैं tricep. और जैसे कि bicep का working function हमारे arm को flex करना था, और वैसे ही हमारा ट्राइसेप मसल का वर्किंग फंक्शन इस फ्लेक्स आर्म को एक्सटेंड करने में ये मदद करता है. और इसका ओरिजिन पॉइंट डिफरेंट होते हैं. जैसे हम अब आगे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा तीनों मसल के ओरिजिन पॉइंट, और इसका इंसर्शन पॉइंट सेम होता है. दिस थ्री मसल आर सेपरेटेड टू ईच अदर एंड देयर नेम्स आर लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड. Now let's see how each form look like on the arm and learn to draw it. Here I already draw the humerus and lower arm bone. Medial head originate होता है humerus से lower two-third of it. Middle head is lies underneath the long head and the lateral head, just like branchialis covered by the bicep muscle. Insertion की बात करें तो edge of the both साइड ऑफ द टेंडेंट एंड इनवर्ड लोअर वन थर्ड ऑफ द टेंडेंट. ये दिखने में एक लार्ज पेंटागोन शेप में होता है, और इसका निचला हिस्सा जितना ये एल्बो की तरफ जाता है उतना ही इसका नीचे वाला पार्ट छोटा होते जाता है. और इसके अपर पार्ट की लेटरल साइड की बात करें तो ये मोर हॉरिजॉन्टल होता है, और मीडियल साइड मोर वर्टिकल. ये टेंडेंट्स डिफरेंट पीपल में डिफरेंट पाया जाता है, जैसे किसी में लॉन्ग और किसी में शॉर्ट टेंडेंट देखने के लिए मिलता है. लेटरल हेड, ये मसल ह्यूमरस के हेड से नीचे और हाफ वे डाउन तक ओरिजिनेट होता है. अगर इसके इंसर्शन की बात करें तो टेंडन के लेटरल एज में टू थर्ड पार्ट तक ये इंसर्ट रहता है और अटैच होता है. लॉन्ग हेड, ये मसल सबसे बड़ा होता है इन दोनों मसल की कंपैरिजन में. इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटसाइड एज ऑफ स्कैपुला अंडर द शोल्डर ब्लेड. ये मसल भी टेंडन के अपर टू थर्ड पार्ट में इंसर्ट रहता है, मगर ये मिडल साइड में होता है. इसके ओरिजिन साइड में एक एक्स्ट्रा टेंडन होता है जो इसको टू हाफ में स्प्लिट करता है अपर साइड में. डोंट बी कन्फ्यूज बाय दिस स्प्लिट मसल और मीडियल हेड मसल.